ओम प्रकाश इज द ओनर ऑफ अ बिग हाउस एंड एम्प्लॉयड इन ए स्कूल एट अलाहाबाद ऑन मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर मंथ तो ओम प्रकाश एक बिग हाउस के ओनर हैं अलाहाबाद में एक स्कूल में एम्प्लॉयड है उनकी मंथली सैलरी ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर मंथ है ऑफ वैलुएशन हाउस इज रुप ट्वेंटी थाउजेंड म्यूनसिपल हाउस की ट्वेंटी थाउजेंड है ही हैज ले रेंट ऑफ रुपीज फोर्टीन हंड्रेड एंड ऑक्युपाइज रिमेनिंग टू थर्ड पोर्शन फॉर इज ओन रेजिडेंस तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो वन थर्ड पोर्शन का लेट आउट से कैलकुलेट करेंगे और टू थर्ड का करेंगे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के फॉर्मुले से ही पेड ट्वेल्व हंड्रेड म्यूनसिपल टैक्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल हाउस तो जब हम सॉल्व करेंगे तो लेट आउट वाले में म्यूनसिपल टैक्सेस ट्वेल्व हंड्रेड का वन थर्ड लेंगे क्योंकि लेट आउट केवल वन थर्ड पोर्शन है और सेल्फ ऑक्युपाइड वाला तो टू थर्ड इसका म्यूनिसपल टैक्सेस का उसमें जाएगा ही पेड ट्वेल्व हंड्रेड ऑन द इंश्योरेंस ऑफ द हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें इससे मतलब नहीं है द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज लैंड रुपीज सिक्स हंड्रेड एज इट्स रेंट इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है ही हैड कंस्ट्रक्टेड द हाउस विद द बोरोड मनी ऑफ रुपीज टू लाख विच वॉज बोरोड आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन नाइन्टी नाइन एट द रेट एट परसेंट पर एनम इंटरेस्ट तो भाई इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर तो हम टू लाख का एट परसेंट निकाल लेंगे अब यहाँ लिखा है कि ये इन्होंने बोरो किया था आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन नाइन्टी नाइन इससे क्या मतलब है क्योंकि जब हम लेट आउट वाला सॉल्व करते हैं तो उसमें तो इंटरेस्ट ऑन लोन में लिमिट नहीं है लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड वाले में लिमिट रहता है जो कि डेट पे डिपेंड करता है तो यहाँ बोल दिया है कि बोरो किया गया है थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन नाइन के बाद तो इसका पहले हम लिमिट देख लेते हैं इफ़ लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर वन अप्रैल नाइन्टीन नाइन एंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज कम्प्लीटेड विद इन फाइव ईयर्स अगर कोई लोन फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन नाइनटी नाइन यानी कि भाई थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन नाइन्टी नाइन के बाद अगर लिया गया है तो फिर कंस्ट्रक्शन uh, के लिए तो फिर लिमिट ऑफ लोन जो रहेगा सेल्फ ऑक्युपाइड के इसमें टू लाख रुपीज तक रहेगा तो जब हम सेल्फ ऑक्युपाइड का uh, इसमें सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन हम देंगे तो दो लाख रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द एसेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इसमें सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं पूछा है सबसे पहले हम इनकी सैलरी जो दी गई है उसके थ्रू इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल लेंगे जैसे हम इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे सॉल्यूशन देखते हैं ट्वेंटी वन का सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये जो हाउस है ये एक बड़े हाउस के ओनर हैं ओम प्रकाश जिसमें से वन थर्ड पोर्शन है लेट आउट के लिए और टू थर्ड पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा सबसे पहले हम लेट uh, आउट वाले का कर लेते हैं जो वन थर्ड है तो फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्राम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दसेसमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वही लेट आउट में सबसे पहले हम इसमें स्टैंडर्ड रेंट कहीं भी नहीं दे रखा है तो हम इसको नॉट काउट वाले फॉर्मले से सॉल्व करेंगे तो म्यूनिसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट म्यूनिसिपल वैल्यू बोला गया है टोटल पूरे हाउस का म्यूनिसपल वैल्यूएशन बताया गया है ट्वेंटी थाउजेंड तो हम यहाँ पे जो लेट आउट है तो म्यूनिसपल वैल्यू भी केवल वन थर्ड लेंगे तो ये आ जा रहा है सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स ऐसे चलता जा रहा है तो यह फाइव से बड़ा है तो हम इसको सीधे लिख देते हैं सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन एक्चुअल रेंट बोला गया है क्वेश्चन में मंथली रेंट है फोर्टीन हंड्रेड रुपीज तो वन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू टू सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वही हमारा ग्रॉस एनअल वैल्यू हो जाएगा जो कि है सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड इसमें से हम लेस करते हैं पहले म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर पेड बाय ओनर तो म्युनिसिपल टैक्सेस बोला गया है इसमें क्वेश्चन में ट्वेल्व हंड्रेड पूरे हाउस का बोला गया है तो फिर आप 1200 और लेट आउट केवल वन थर्ड तो म्यूनिसिपल टैक्स का भी वन थर्ड होगा ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है आप ध्यान रखना आप लोग तो ये हो जाएगा 400 केवल यहां पे आएगा उसके बाद हम लेते हैं वैकेंसी और फिर आता है अन रेंट जो कि वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट दोनों ही इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम सीधे आउटर कॉलम में फोर लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड यह आ गया एनुअल वैल्यू अब इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर पहला डिडक्शन होता है थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू है सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड उसका थर्टी परसेंट तो ये सॉल्व कर लेंगे हम थर्टी तो परसेंट या गया फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी उसके बाद हम लेते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें दे रखा है दो लाख रुपए का लोन इन्होंने लिया था तो टू लाख रुपीज और एट परसेंट पराया पे तो एट परसेंट और जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा उसका केवल वन थर्ड ही यहां पे जाएगा बाकी टू थर्ड जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व कर लेते हैं हम इसको टू थाउजेंड इंटू एट डिवाइड बाय थ्री तो ये टू एट सिक्सटीन थाउजेंड डिवाइड बाय थ्री करने पे आ रहा है फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो ये फाइव से कम है इसलिए हम इसको सीधे फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री करके छोड़ देंगे कंस्ट्रक्शन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है कि कब कंप्लीट हुआ या कुछ भी तो ये नहीं लेना है यहाँ पे हमको अब इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे फिर एनुअल वैल्यू में से लेस कर देंगे तो फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री आ गया टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री इसको हम सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड में से लेस करेंगे तो ये आ गया सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी सेवन तो ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अभी ये आया है सिर्फ लेट आउट वाला अब हम कैलकुलेट करेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड वाले से अब हम सेकेंड पोर्शन ऑफ हाउस वाला देखेंगे जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है टू थर्ड पोर्शन तो इसमें भी हम फॉर्मेट बना लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 उसके बाद सेल्फ ऑक्युपाइड है क्रॉस एनुअल वैल्यू म्यूनिसपल टैक्स सब कुछ निल तो एनुअल वैल्यू भी सीधे निल आ जाएगा और इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 बस डिडक्शंस मिलता है सेल्फ ऑक्युपाइड में पहला डिडक्शन होता है थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू भाई एनुअल वैल्यू खुद ही मिल है उसका थर्टी परसेंट या कुछ भी नहीं होगा फिर आता है इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें दे रखा है दिया है दो लाख रुपए का लोन है उस पर आठ परसेंट का इंटरेस्ट है और इसका केवल टू थर्ड वन थर्ड हमने लेट आउट में दे दिया था इसको सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा आपका थाउजेंड इंटू टू ये आ रहा है टेन .66, ऐसे ही जाता जा रहा है तो ये फाइव से बड़ा है इसलिए टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन और अब आप देखोगे जो हमने वहाँ इंटरेस्ट लिया था लेट आउट में वो था आपका फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री अब इसको जब आप ऐड करोगे टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन में तो ये टोटल सिक्सटीन थाउजेंड हो जाएगा तो ये ये भी होना ज़रूरी है तो वहाँ पे हमने फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री लिया था पॉइंट थ्री थ्री आ रहा था क्योंकि और यहाँ पे सिक्स पॉइंट के बाद फाइव से बड़ा था तो हमने सीधे लिख दिया टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन और इसको और पीछे वाले को ऐड करने पर सोलह हज़ार पूरा इंटरेस्ट आ रहा है अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन में इसमें नहीं दिया गया कोई भी इंफॉर्मेशन तो नहीं लेंगे अब इसको सीधे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन और भाई बोरोड आफ्टर Uh, 1999 है इस वजह से इसका लिमिट तो टू लाख तक है यहाँ पे तो केवल टेन uh, थाउजेंड ही है फिर उसके इसको सीधा मैंने आउटो कॉलम में लिखा कॉल जीरो से आप लेस करोगे तो यही अमाउंट आ जाएगा माइनस में टेन और ये हो गया आपका लॉस फ्रॉम एच सेल्फ ऑक्यूपाइड से अब पहले आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस वन से आपका आया है इनकम सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी सेवन और हाउस टू से आपका लॉस हुआ है टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन का इन दोनों को एड लेस कर लेंगे हम टेन सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन माइनस सिक्स थाउजेंड वन फोर सेवन ये आ गया फोर फाइव टू जीरो और माइनस का आएगा यानी कि लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या आ गया माइनस का फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी लॉस फ्रॉम लॉस कितने का हुआ है चार हजार पाँच सौ बीस रुपये का लेकिन इसमें केवल हाउस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछा है इसमें पूछा है इनकम फ्रॉम टोटल इनकम पूछा है तो अब इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन को दिया है? पहले वो कैलकुलेट करेंगे फिर इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्राम सैलरी और जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो फॉर देंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पर सैलरी के बारे में बता रखा है जो कि है ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर मंथ ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटू ट्वेल्व यह आ जाएगा आपका टू लाख एट्टी एट थाउजेंड अब सैलरी के अलावा क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी वाले फॉर्मेट में आता है तो यही हमारा ग्रॉस सैलरी हो जाएगा टू लाख एट्टी एट थाउजेंड ग्रॉस सैलरी में से हम हमेशा लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन जो कि जिसमें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन फिफ्टी थाउजेंड फिक्स रहता है बाकी और कुछ दिया नहीं है जो लेते हैं हम तो फिफ्टी थाउजेंड सीधे आउटर कॉलम में हम ले लेंगे और इसको लेस कर देंगे ग्रॉस सैलरी में से तो ये आ जाएगा हमारा टू लाख एट्टी एट थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड टू लाख थर्टी एट थाउजेंड रुपीज़ आ गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी अब टोटल इनकम कैलकुलेट हम करेंगे तो टोटल इनकम के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया है टू लाख थर्टी एट थाउजेंड और लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से वो है आपका फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी का तो इसको हम एड लेस कर लेंगे माइनस फोर फाइव टू जीरो आ गया टू लाख थर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी ये हो गया टोटल इनकम